मतलब क्या विवाद चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा? यार ये दोनों एक दूसरे से सच में जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं और मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग भी अपना सम्मान बनाए रखें। बस कि दो सुपरस्टार के इस समय देखा जाए तो बीच में विवाद चल रहा है और उस पर क्या विवाद चल रहा है कि पवन जी और किसारी जी को लेकर मतलब क्या विवाद चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा? ये पता नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। विवाद क्या चल रहा है? हमको विवाद भी तो बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन पहले नंबर पे कौन दूसरे नंबर पे, ये विवाद चल रहा है। तो इस पर लेकर आप अपना क्या रिएक्शन आप दोनों देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए वो दोनों ही लोग मेरे दिल में बहुत ही ऊंचा स्थान रखते हैं और एक ऊंचा स्थान ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस पर दोनों बाजू बाजू में बैठे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं बैठा है मेरी नज़र में। और एक छोटी सी बात को खींच के बहुत लंबा कर दिया गया। ये दोनों एक दूसरे से सच में जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं और मैंने देखा है दोनों लोगों को साथ में, खेसारी जी को पवन जी को साथ में देखा है, आपने भी देखा। हाँ, आज की के समय आए थे दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा तारीफ कर। बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, दोनों भाई भाई हैं और ये इतना थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। समय थोड़ा सा, जब समय ठीक होगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और मेरी नज़र में दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं और मैं दोनों से जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, दोनों को मैं बहुत ज़्यादा सम्मान देती हूँ और मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग भी अपना सम्मान बनाए रखें। बस मेरी इतनी ही कामना है दोनों से कि दोनों अच्छे से प्यार से रहें, क्योंकि वो लोग अच्छे लोग हैं, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, दोनों बहुत प्यारे हैं और भगवान करे कि सब ठीक करने जाए। बिल्कुल। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, एक नई मुकाम पर ये भोजपुरी इंडस्ट्री पहुँचते जा रहा है और बहुत ही गर्व की बात है सभी के लिए। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, पवन जी ले लीजिए, खेसारी जी ले लीजिए, जो भी बॉलीवुड के अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, एल्बम्स हैं, उसका भोजपुरी वर्जन बन रहा है, चाहे पानी पानी ले लीजिए या फिर तुमसा कोई प्यारा नहीं, बारिश बन जाना, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे तो, मैं तो वही बोल रही हूँ ना कि पवन जी एटलीस्ट, मतलब स्पेशली पवन जी जब गाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे कानों को ट्रीट मिली है, मेरे कान की बर्थडे पार्टी चल रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे इतनी खुशी होती है उनकी आवाज़ सुन के। और खेसारी जी के गाने जब मैं सुनती हूँ तो मुझे गाने इतने गुदगुदाते हैं कि मैं बार बार, मुझे रिपीट पर सुनना पड़ता है उनके गानों को, मैं सेट पर भी सुन के आता हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। एंड यू नो, टाइम्स लाइक कोविड और लॉकडाउन, जिस टाइम पे ना कोई इंडस्ट्री चल रही थी, ना कुछ चल रहा था, ना कोई फिल्में चल रही थी, तब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को जिलाए रखा यही एल्बम्स के गानों, जी जी, जिंदा रखा हमारी इंडस्ट्री को, हमारी भाषा को लोगों तक पहुंचाया है इन्हीं गानों ने। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं देखती हूँ कि इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ अपने दोस्तों के लिए। और मैं साथ साथ में अपने लिए ये सोचती हूँ कि जितने मिलियन व्यूज़ ये लोग लेके आ रहे हैं गानों में, यार मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और अपनी फिल्म के उतने मिलियन व्यूज़ लेकर आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें छोटी सी बात एक ऐड करना चाहता हूँ, 2.5-3 मिनट के गाने के लिए कितना प्रमोशन होता है, आप लोग देखते हैं ना सर, मतलब पूरा सर माथे पर उठा लिया जाता है। तो 2.5 मिनट में जितना हम भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो 2.5 घंटे की फिल्म का भी प्रमोशन कम से कम आर्टिस्ट लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि उनके लिए जी जान है। बिल्कुल, और उससे भी भोजपुरी आगे बढ़ती है, 2.5 घंटे में ज़्यादा हम अपना संस्कार संस्कृति दिखा सकते हैं जी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी सुपरस्टार, सभी आर्टिस्ट, सभी लोगों से कि फिल्म को भी उतना ही ध्यान दें, उसके प्रमोशन में संस्कृति तो फिल्म से ही दिखती जी जी जी, 2.5 मिनट के या गाने में नहीं आता, नहीं आता है। तो भोजपुरी को बढ़ाने के लिए अभी के गानों से नहीं दिख सकती, पहले तो गाने भी ऐसे थे कि हमारी संस्कृति बता देते थे, लेकिन यस ऑब्वियसली हम सबको फिल्म को भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए जितना हम गानों को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।